आपका अपना यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल जो में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे आईटी इंजीनियरिंग ड्राइंग में फ्री हैंड हैमर बनाना, जो कि एक ट्रिक के साथ आज आपको सिखाऊंगा। भी इस तरीके से भी आसानी से आप हैमर बना सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो देखिए, जो कि एक मैंने ब्लॉक बनाया हुआ है, इस तरीके से आपको एक ब्लॉक बनाना है। इसकी जो डायमेंशन जो मैं बताऊंगा उसके अनुसार आप रफ कॉपी या फिर ड्राइंग फाइल के ऊपर बनाकर ट्राई करते हो तो आसानी से हैमर बना पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इस तरह का एक आपको एक ब्लॉक बनाना है, ठीक है ना। जिसकी लंबाई आपको लेनी है, कितनी लेनी है, यहाँ से यहाँ तक वो लेनी है आपको 70 mm, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, ये जो चौड़ाई यहाँ पे दी गई है ये कितनी दी गई है, ये 35 mm। तो यहाँ पे एक बार मैं लिख लेता हूँ 35 mm, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, यहाँ से ये दूरी जो दी गई है वो दी गई है 20 mm, यहाँ पे 20 mm लिख देते हैं। उसके बाद में देखिए, नीचे की तरफ जो है ये भी आपकी 20 mm, क्योंकि ये ट्रिक है, इसे आप आसानी से और काफी नीट एंड क्लीन तरीके से आप हैमर बना सकते हो। जिसमें हम बनाएंगे सबसे पहले बॉल पेन हैमर, उसके बाद क्रॉस पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर और कला हैमर। चार हैमर आज आपको सिखाएंगे और काफी कम समय में और काफी नीट एंड क्लीन। तो देखिए, ये 20 mm इतनी दूरी और ये भी 20 mm, 40 हो गया और ये हो गया, रह गया आपका 30 mm। टोटल जो दूरी मैंने जो ली हुई है वो कितनी है, 70 mm, यानी 70 mm बाई 35 mm की चौड़ाई का एक ब्लॉक ऐसे आपको रेडी करना है। तो इसमें देखिए कितना जल्दी हम बना पाएंगे। इसमें आपको क्या काम करना है कि ये अंदर वाला यहां से लेके यहां तक है, इस पे आपको सबसे पहले आपको हल्के हल्के राउंड करने हैं। कैसे करने हैं, इस तरीके से, इस तरीके से आपको राउंड करने हैं। रेडी कर दिए। करने के बाद में ये जो है इसको ऐसे मिला दो, उसके बाद देखिए जो नीचे का जो है यहां से यहां फिर आपको हल्की सी फिर गोलाई बनानी है इस तरीके से। उसके बाद में देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में नीचे कम दूरी का एक सर्कल है आपको ऐसे लगाना है, ताकि जो हैमर का जो नीचे का फेस है वो आसानी से टिका हुआ हो। उसके बाद में ऐसे और ये ऐसे। इतना करने के बाद में ये जो ब्लॉक है इसमें हम बना रहे हैं बॉल पेन हैमर। आपको क्या काम करना है कि ये जो पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसकी शीट में ऐसे आपको एक छोटी सी अर्ध गोलाकार एक बॉल बनानी है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, आपको ऐसे करना है और ऐसे करना है, इस तरीके से ये आपका रेडी हो चुका है। आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसे यहां पे लगा देते हैं हैंडल। ठीक है ना। अब क्या काम करेंगे कि जो एक्स्ट्रा जो लाइन है उसको आपको इरेज करना है। देखिए यहां पे एक्स्ट्रा लाइन है, ये लाइन एक्स्ट्रा है, इनको ये फ्री हैंड बनाने का तरीका है, आसानी से आप बना सकते हो। तो अब इसके क्या काम करने हैं, पार्ट कौन कौन से देख लेते हैं। यहाँ पे ये कौन सा है, पेन है, और नीचे का क्या है, ये फेस है। उसके बाद भी क्या है, यहां से लेके यहां तक क्या है, बॉल है। उसके बाद में ये क्या है, यहां पे चीक, और ये क्या है, यहां पे नेक। उसके बाद में ये है आपका यहां पे हैंडल। तो ये जो भाग है इस तरह से आप लिख सकते हो और आसानी से देखिए काफी नीट एंड क्लीन तरीके से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे हम बनाएंगे अब आपका क्रॉस पेन हैमर। इसमें आपको क्या काम करना है, तो देखिए इसी तरीके से वो सेम डायमेंशन जो मैंने ली हुई है वो आपको लेनी है। तो देखिए सबसे पहले ये पॉइंट और इसके अंदर आपको हल्की हल्की गुलाई करनी है, इस तरीके से और इस तरीके से, इस तरीके से और ऐसे। अब मिला दो ऐसे,
ठीक है। अब नीचे की तरफ ये जो है यहां पे ऐसे, और ये जो पॉइंट है इस तरीके से उनको फिर ऐसे मिला दो, ठीक है ना। अब देखिए ये जो पॉइंट है ऊपर वाला, आपको क्या काम करना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे एक हल्की सी टेपर लाइन खींचनी है इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपको एक लाइन खींचनी है ऐसे, ये जो पैरेलल लाइन है इसी के यहाँ पे इसी कितनी दूरी पे आपको फिर एक लाइन खींचनी है, ठीक है ना। उसके बाद में ये जो पॉइंट है नीचे की तरफ इसी के पैरेलल ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए ये जो पॉइंट तीनों है इन पे हल्के की नेक हम बनाएंगे, तो ऐसे ऐसे इसको इरेज करना है अंकल का, और ये ऐसे ऐसे है और ये भी ऐसे, ठीक है ना। अब क्या काम करेंगे कि देखिए यहाँ पे आपको बनाना है होल, तो ये आपको कौन सा हैमर लग रहा है, ये बन चुका है आपका क्रॉस पेन हैमर, ऐसा लाइन है उसको आप एरेज करना है आपको, क्योंकि फ्री हैंड आपको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन स्पीड का प्रयोग करके आप बना पाएंगे। तो कैसे क्रॉस पेन है मतलब, क्योंकि ये जो सर्कल है ये इसके ऊपर का जो पेन जो है इसका, ठीक है ना, वो क्या है इसके क्रॉस में है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे आपका स्ट्रेट पेन हैमर। स्ट्रेट पेन हैमर में आपको क्या काम करना है, कि सबसे पहले वही है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक एक सर्कल हम लगाएंगे ऐसे इस तरीके से, उसके बाद में नीचे की तरफ ये जो पॉइंट है इसको ऐसे मिला दो आप। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, देखिए ऊपर का जो पॉइंट जो है ये वाला, ठीक है ना, इसमें आपको क्या काम करना है, इस तरफ से आपको अब इस साइड से एक टेपर की लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर हम खींचेंगे एक लाइन और, इसी के पैरेलल एक लाइन और खींचेंगे ऐसे और ऊपर ऐसे मिला देंगे। अब हल्की सी नेक आप बनाएंगे इसमें, नेक थोड़ा सा आपको इरेज करना है ऐसे अंकल का, करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसकी भी जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें क्या काम करेंगे कि ये जो दिया हुआ है यहां से यहां ऐसे आपको, और यहां पे हम बना देते हैं हैंडल के लिए एक होल, ठीक है ना। अब देखिए जो एक्स्ट्रा जो लाइन है उनको आपको इरेज करना है ऐसे, तो ये आपका बन चुका है यहां पे स्ट्रेट पेन है, क्योंकि ये जो होल है इसकी सीध में है, ये पेन इसका क्या है, ये होल के ये ऐसे क्रॉस में है, ये क्या है ऐसे बिल्कुल सीध में है, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा बन गया है, स्ट्रेट पेन है। अब हम यहां पे बनाएंगे आपका कला है, तो इसमें आपको क्या काम करना है, इस तरीके से सेम वही सर्कल फिर सर्कल फिर सर्कल, फिर आपको ऐसे फिर ऐसे फिर नीचे की तरफ, फिर आपको अर्धगोलाकार, फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ऐसे मिला दो, ठीक है ना। अब हम देखिए ये जो पॉइंट आया है और ये पॉइंट आया है, इसके लिए आपको इस पॉइंट से लेके ऐसे और इस पॉइंट से लेके ऐसे, ये जो पॉइंट है इसको ऐसे और ये जो पॉइंट है इसको ऐसे, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट है इसको इस तरीके से आप दिखा सकते हो, इसमें जो एक्स्ट्रा जो लाइन है वो हम इरेज करेंगे, तो ये आपका जो है हैमर जो है वो रेडी हो चुका है। तो उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से
थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहो तो कर सकते हो। तो देखिए ये आपका जो है कला हैमर जो है वो रेडी हो चुका है। ये आपका है स्टेप 10 हैमर, इसमें थोड़ा ऐसे सेटिंग करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसे करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद में देखिए ये आपका क्रॉस पेन हैमर, इसके अंदर भी आप इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद में ये आपका बॉल पेन हैमर, तो प्रीमियम आपके देखिए चार प्रकार के जो हैमर है वो हमने फ्री हैंड इलेक्ट्रिक के साथ रेडी कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो और ये फ्री हैंड जो टूल जो है जो कि हैमर के मैंने बनाए हैं आपको कैसे लगे हैं, तो अपनी राय जरूर दें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा। फिर मिलता हूँ नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।